हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कविता एक रहे हैं एक रहेंगे। कौन सी कविता पढ़ेंगे? एक रहे हैं एक रहेंगे। एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम। एक रहे हैं एक रहेंगे, मतलब इस कविता में ये भारत देश के ऊपर कविता है और इसमें भारतवासी कह रहे हैं हम एक हैं और एक रहेंगे। कंठ कंठ, कंठ है ने गला, कंठ कंठ से आवाज, स्वर है ने आवाज, कंठ कंठ है ने गले से गूंज उठा, गले से आवाज गूंज उठी। सब भारत माँ के बेटे हैं, हम सब भारत माँ के बेटे हैं। दिल से भाई भाई हम, हम दिल से क्या हैं? भाई भाई हैं, है ना। चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई हम। कौन है हम? भले हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पर हम सब भारत माँ के बेटे हैं और हम सब एक हैं और एक रहेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजा अपने अपनी धरती अपना अंबर। कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर, है ना। मंदिर मस्जिद गिरजा अपना अपने, ये तीनों क्या है? अपने ही है। मंदिर भी अपनी है, मस्जिद भी अपनी है और गिरजाघर भी अपने ही है। अपनी धरती अपना अंबर, धरती माँ भी अपनी है और आसमान, ये धरती भी हमारी है और ये आसमान भी हमारा है। कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर, हर गले से यह स्वर यह आवाज आ रही है। अपना देश बड़ा प्यारा है, आपस में भाईचारा है। क्या आ रहा है? अपना देश बड़ा प्यारा है और आपस में हमारे भाईचारा है, मतलब बंधुत्व है, एकता का भाव है। यह देश हमारा जिस कैसा है, बहुत प्यारा है और हम सब एक है। अलग वेश भाषाएं लेकिन जय भारत सबका नारा है। हमारी सबकी जो वेश है, हमारा जो पहनावा है, हमारी जो भाषाएं हैं, वो सब अलग अलग है, फिर भी हमारा एक ही नारा है, जय भारत। जय भारत सबका न्यारा है ना। मिलजुल कर गाते हैं हम सब देशभक्ति के गीत यहाँ पर। मिलजुल कर मतलब हम सब एक होकर गाते हैं देशभक्ति के गीत यहाँ पर। कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर, हर गले से, हर तरफ से, हर जगह, मतलब कंठ कंठ से, इन्हें गले से गूंज उठी है आवाज। अलग अलग क्षेत्रों के वासी, सभी भिन्न भाषा के भाषी। अलग अलग क्षेत्रों के क्या है हम? वासी, क्षेत्र ने स्थान। अलग अलग क्षेत्र के वासी ने निवासी, रहने वाले। अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले, सभी भिन्न भाषा के भाषी। हमारी सबकी भाषाएं क्या हैं? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मलयाली बोलता है ना, कोई पंजाबी बोलता है। कितने ही समुदाय मगर सब कहलाते हैं भारतवासी। हम सब अलग अलग समुदाय से, हम समुदाय से हैं। समुदाय मतलब समूह, संस्था, मतलब हम सब अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग समूह से हैं, पर हम सब कहलाते भारतवासी ही हैं। कैसे कैसे शत्रु भागते आखिर हमसे मुंह की खाकर। कैसे कैसे मतलब कैसे इन्हें बड़ा से बड़ा शत्रु भी हमसे भागते हैं हमारी मुंह की खाकर। एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। एक है और एक रहेंगे, ये कंठ से गूंज उठा है स्वर। बच्चों, आपको ये कविता पढ़ना है, इसकी 8 लाइन भी आपको याद करनी है, आपको यह एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगी, ठीक है। और इसके जो कठिन शब्द हैं वो आपको आपकी कॉपी में लिखना है, रफ कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब हम इसके शब्दार्थ दोहराएंगे। कंठ गला, स्वर आवाज, क्षेत्र स्थान,
वासी निवासी रहने वाला। भाईचारा बंधुत्व एकता का भाव। शत्रु दुश्मन। समुदाय समूह संस्था। भाषी बोलने वाला। देशभक्ति देश प्रेम। बच्चों आपको ये शब्दार्थ अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। इसका अभ्यास और प्रश्नोत्तर का अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।